अस्सलाम वालेकुम कैसे खैर से हैं वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली स्कॉलरशिप न्यूज़लेटर बहुत ही खूबसूरत दिन है सन इज़ शाइनिंग ऐसा लगता है स्प्रिंग की आमद आमद है uh, तो uh, आज हम ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ uh, ख़वात के लिए है इफ़ यू आर अ वमेन एंड यू हैव इंटरेस्ट इन स्टेम सब्जेक्ट्स स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप है जिसमें यूके की 26 टॉप यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और आपको मास्टर्स के लिए ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें ट्रैवल कॉस्ट भी शामिल है ट्यूशन फ़ीस भी शामिल है वीज़ा और हेल्थ केयर भी शामिल है और साथ में ये आपको मंथली स्टैपेंट भी देंगी तो आप अगर खातून हैं मास्टर्स करने के ख्वाहिशमंद हैं स्टेम रिलेटेड सब्जेक्ट्स में यूके के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है तो आज इसके बारे में तफसील से देखेंगे तो शुरू करते हैं ऑल राइट ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप्स फॉर वुमेन इन स्टेम ये इस पेज का लिंक है जो कि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आ, अगर आप खातून हैं स्टेम सब्जेक्ट्स में आपके पास डिग्री है और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं आ, इसी फील्ड में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से यूके की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करने के लिए ये नया प्रोग्राम है दूसरा ही साल है इस प्रोग्राम का और ब्रिटिश काउंसिल ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इन कोलाब ट्वेंटी सिक्स यू यूनिवर्सिटीज़ और इसका आइडिया यही है कि जो खातन हैं अमेरिकाज़ में साउथ एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में इजिप्ट uh, में टर्की में एंड यूक्रेन uh, में उन्हें ऑपरचुनिटी प्रोवाइड की जाए स्टेम सब्जेक्ट्स uh, में मास्टर्स uh, करने के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है इस स्कॉलरशिप के हवाले से इसे आप चेक करें इसमें काफी इंफॉर्मेशन है वाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम एम्स टू इंक्रीज ऑपरचुनिटीज इन स्टेम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन

ग्लोबली फीमेल स्टूडेंट्स इनमेंट इस पर्टिकुलरली लो इन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्री परसेंट तो खातून की जो इनमेंट है आई सी टी प्रोग्राम में सिर्फ तीन परसेंट है और नेशनल साइंस मैथामेटिक्स स्टेटस्टिक्स में पाँच परसेंट है और इंजीनियरिंग मैनुफेक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आठ परसेंट है तो आइडिया यही है कि खतन की प्रेजेंस को इन फील्ड्स में बढ़ाया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर बोथ मास्टर्स स्कॉलरशिप एंड अर्ली स्कॉलरशिप्स बांग्लादेश कम्बोडिया इंडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार नेपाल पाकिस्तान फ़िलीपींस श्रीलंका थाईलैंड एंड वियतनाम फॉर मास्टर्स ओनली स्कॉलरशिप ब्राजील इजिप्ट मेक्सिको पीरू टर्की एंड यूक्रेन पाकिस्तान से अगर आप हैं तो आप मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए और अर्ली एकेडमिक फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं uh, मजीद कहते हैं वी आर लुकिंग फॉर वुमेन हु आर एबल टू टेक कोर्स ऑफ स्टडी इन यूके फॉर द एकेडमिक ईयर फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2022 टू 2023 एक साल का प्रोग्राम है कैन डिमॉन्सट्रेट अ नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री डेट विल इनेबल दैम टू गन एक्सेस ऑन टू वन ऑफ द प्री सेलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस एट यू के यूनिवर्सिटी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और ऑलरेडी सेलेक्टेड प्रोग्राम है वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं यू के यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप मास्टर्स किन में करना चाहते हैं Can attain the level of English required for postgraduate study research at a UK university. Angrezi uh, are active in the field with work experience or a proven interest in their subject area, are passionate about uh, their course of study and are willing to engage as committed uh, British Council scholarship alumni. Uh, main benefits kya hai: academic prestige. Uh, UK's universities are amongst the world's leader in STEM subjects. Uh, STEM-related uh, uh, subjects in the UK are top-class. Uh, economic support will include tuition fees, stipend, travel cost, visa and health coverage fees. फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस भी आपको ये पे करेंगे स्टार्टेंट भी देंगे ट्रेवल uh, कॉस्ट भी देंगे वीजा uh, रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी ये बेयर करेंगे और साथ में आपको हेल्थ कवरेज भी देंगे स्पेशल सपोर्ट फॉर मदर्स, अगर आप मदर हैं आपके बच्चे हैं तो बच्चे भी साथ जा सकते हैं और उनके लिए uh, मजीद सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करेंगे आपको हाउ टू अप्लाई Uh, applications should be made directly to the participating universities. Uh, please follow the links below. Uh, information will be updated as the application process in each participating university becomes live. this university map can to apply university the website pay apply karna. Hai. application deadlines vary between courses but range from uh, 28th of february to 10th of april. एप्लीकेशन डेडलाइन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी लेकिन जो जनरल डेडलाइन है वो अट्ठाईस फरवरी से 10 अप्रैल के दरमियान है प्लीज एंश्योर यू चेक एंड मीट ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं आप तभी अप्लाई करें साउथ एशिया में पाकिस्तान आता है बांग्लादेश है इंडिया है नेपाल है श्रीलंका है तो इन कंट्रीज के लिए Uh, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं इस प्रोग्राम में वो यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट क्लाइड है मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है अर्बरडीन है गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन साउथ हेम्पटन एमपीरियल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग Uh, किस इन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की स्कॉलरशिप uh, है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कोर्सेस uh, जो ये ऑफर uh, कर रहे हैं उनमें डेटा साइंस है इन्वामेंटल साइंस है इंजीनियरिंग है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स है आई है रीन्यूएबल इनर्जी एंड एनर्जी मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो ये लिस्ट साउथ एशियन कंट्रीज के लिए है सिमिलरली यहाँ पे अमेरिका के बारे में है ब्राज़ील मेक्सिको पेरू ईस्ट एशिया है कम्बोडिया इंडोनीशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपीन थाईलैंड एट्सट्रा दैन इजिप्ट टर्की एंड यूक्रेन तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका से हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप चूज कर सकते हैं कि किस स्टेम रिलेटेड प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है और अकॉर्डिंगली आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट क्लाइड की वेबसाइट चेक करते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम हैं किस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है स्कॉलरशिप प्रोग्राम एम्स टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज इन स्टेम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कौन से शामिल हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान नेपाल एंड श्रीलंका ईच ऑफ दिसरशिप कवरफुल ट्यूशन फीस मंथली स्टाइप रिटर्न इकोनॉमिक क्लास टिकट एंड अदर कॉस्ट सच एज आइल्स एग्जाम फी वीजा एप्लीकेशन एंड एनएचएस सरचार्ज, आइल्स की फीस भी आपको दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बात है अप्लाई uh, नाउ पे क्लिक करते हैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए पांच स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है 31 मार्च 2022 जो प्रोग्राम है उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिकल फार्मेसी डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स इन्वामेंटल इंजीनियरिंग विंड एनर्जी सिस्टम्स एट्सट्रा अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ख़ातून होना ज़रूरी है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका के आप रेसिडेंट्स होने चाहिए या आपके पास वहाँ का पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप इन्हीं के लिए है आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है जो एलिजिबल प्रोग्राम है ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है तो इनमें ही आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए मास्टर्स की पढ़ाई शुरू होने से पहले आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए इसके अलावा आपने बताना है प्रूफ देना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बग़ैर आप मास्टर्स नहीं कर सकते आप डिसर्विंग स्टूडेंट हैं यूके uh, में पहले आप अगर रहे हैं या कोई डिग्री की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं स्कॉलरशिप के लिए इसके अलावा किसी भी दूसरी uh, किस्म की स्कॉलरशिप या फंडिंग सपोर्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट क्लाइट की uh, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश uh, लैंग्वेज के हवाले से उसको मीट करना भी ज़रूरी है इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं इसे आप गो थ्रू करें लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो ये हैं टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के हवाले से देखें तो ट्यूशन फीस कवर करेंगे ये एक साल का मंथली स्टाइपेंड है एक हजार एक सौ तैतीस पाउंड पर मंथ टू कवर कॉस्ट्स ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग अकोमोडेशन आपको आइल्स का जो एग्ज़ाम है उसकी फीस भी ये प्रोवाइड करेंगे रिटर्न इकोनॉमी क्लास ट्रेवल फ्रॉम होम कंट्री टू यूके, वीज़ा और इंश्योरेंस की मद में जो भी खर्चा आएगा वो भी ये बेयर करेंगे एड कॉस्ट्स, कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल हेवी बैगेज अलाउंस एक्सेट्रा इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो आपको एक चाइल्ड अलाउंस भी प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यू के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अलाउंस रेट्स मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं और इस प्रोग्राम से रिलेटेड uh, अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं या इनसे पूछ सकते हैं ये तो हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट क्लाइड में स्कॉलरशिप uh, के हवाले से सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है किस तरह के प्रोग्राम हैं इस स्कॉलरशिप के तहत आ, क्या क्राइटेरिया है इसके अलावा डेड इस प्रोग्राम की आ, इस यूनिवर्सिटी की डेड जो है फर्स्ट अप्रैल है सिमिलरली अगर इंपीरियल कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं Uh, यहाँ पे फेलोशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फेलोशिप के अमाउंट बहुत अच्छी है इक्कीस सौ पाउंड आपको ये पे कर रहे हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने देखा है कि खातून होना जरूरी है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नेपाल uh, का रेसिडेंट होना जरूरी है एट्सट्रा आप इसे आराम से गो थ्रू करें हाउ टू अप्लाई यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन उन्तीस अप्रैल है तो काफी टाइम है आपके पास फर्दर क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे रहा कर सकते हैं इनसे ऑल राइट right, तो ये ब्रीफली इस स्कॉलरशिप के हवाले से है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्लीज़ गो थ्रू दैम देखें किस यूनिवर्सिटी में आपकी मर्ज़ी का प्रोग्राम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली अप्लाई करें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है अभी भी काफ़ी टाइम है इस स्कॉलरशिप की एक मेन रिक्वायरमेंट ये है कि मास्टर्स करने के बाद आपने अपने होम कंट्री वापस जाना है तो ये बात आप जहन में रखें बट स्टिल uh, अगर आप मास्टर्स करते हैं यूके से तो पाकिस्तान वापस आने के बाद या इंडिया बांग्लादेश वापस आने के बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं uh, आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं या फिर पीएचडी uh, के लिए दोबारा से यूके में या यूरोप में या ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हैं क्योंकि यूके से मास्टर्स करने के बाद ऑलरेडी जो आपका प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रॉग हो जाएगा तो देर विल बी प्लेंटी ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल ऑल राइट right, तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ख़वान के लिए और ये स्कॉलरशिप सिर्फ सेलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है इंडिया शामिल है बांग्लादेश है श्रीलंका है तो अगर आप इन ममालिक से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं आ, एक साल का मास्टर्स प्रोग्राम है फुली फंडेड गिव इट अ ट्राई मास्टर्स uh, करने के बाद और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप पी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन यू और विद इन यूरोप और एनी इन द वर्ल्ड तो बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर कॉन्टेंट्स अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखें मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आपसे फिर मुलाकात होगी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अनटिल दैन अल्लाह हाफिज़